नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे अमेजिंग हेयर इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए, सो दिस वीडियो इज़ रियली गोना हेल्प यू, बिकॉज इसमें से आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स चूज करके अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो, बिलीव मी, आपका हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 10 इंग्रेडिएंट्स को रिवील करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंड क्यों आपके हेयर को ज़रूरत है। फर्स्ट इज हेयर हेल्थ हमारा रूट से स्टार्ट होता है, बिकॉज आपने डेफिनेटली हज़ारों बार सुना होगा कि किसी भी प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए उसके रूट पे वर्क करना होता है। सो दिस इज द रूट, इसीलिए हमें स्कैल्प पे वर्क करना है। एंड कोई भी इंग्रेडिएंट को आप स्कैल्प पे यूज़ करोगे तो आपका हेयर फ्लरिश करेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं और इसके सारे बेनिफिट्स देख लेते हैं। आवर फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा जेल। सिर्फ सनबर्न को सूद करने में नहीं, हमारे हेयर स्कैल्प के सारे प्रॉब्लम को रिमूव करने और हमारे हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। स्कैल्प के इचनेस को, डैंड्रफ रिमूव करने में और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। आवर सेकेंड इंग्रेडिएंट इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये एक ऐसा इकलौता ऑयल है जो कि हमारे हेयर पर किसी तरह का सॉयल नहीं करता है। एंड इस ऑयल को जब आप अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करते हो तो आपका हेयर लेंथ नरिश रहता है, सॉफ्ट रहता है, मॉइस्चराइज रहता है, मैनेजेबल रहता है। आप इसको अगर स्कैल्प पे यूज करते हो तो ये डीपली पेनिट्रेट होता है और आपके हेयर को हेल्दी बनाता है। आवर थर्ड इंग्रेडिएंट इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का ऑयल होता है, इसीलिए अगर आप इसको कोकोनट ऑयल या किसी और कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज करते हो तो आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही तेजी से प्रमोट करने में हेल्प करता है। एंड ऐसा प्रूवन है कि ये 3 to 5 टाइम तक हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है। आवर फोर्थ इंग्रेडिएंट इज अनियन। डेफिनेटली अनियन के जूस आप यूज करो या अनियन का ऑयल यूज करो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। गंजे के भी सर पे बाल लाने वाला ये हेयर ऑयल है एंड डेफिनेटली मैंने इसको ट्राई किया है। दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट हेयर ऑयल्स और मैंने इसकी बहुत सारी रेमिडीज शेयर की है, आप उसको चेक कर सकते हो। आवर फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज रोजमेरी। रोजमेरी अगर आपको प्लांट नहीं मिलता है तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। रोजमेरी को अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो आपका हेयर ब्लैक होगा, आपका प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर है वो कम होगा और आपका हेयर डेंस होगा। सो डेफिनेटली अगर आप रोजमेरी यूज करते हो तो आपके बाल बहुत ही घने हो सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ग्रीन टी। वही ग्रीन टी जो कि वेट लॉस में यूज होता है, वो आपके हेयर को डिटॉक्सिफाई एंड आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे स्कैल्प का हेल्थ अच्छा रहेगा आपका हेयर हेल्थ और आपका हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा। जैसे आप ग्रीन टी बनाते हो वैसे आपको बना लेना है, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और सिंपली आपको स्प्रे बॉटल में रख करके उसको स्प्रे करना है अपने हेयर स्कैल्प पे, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे इंग्रेडिएंट पे अच्छे अच्छे रेमेडीज बताऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगी। आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज होहोबा ऑयल, जिसको हम जोजोबा ऑयल भी बोल सकते हैं, और ये हमारे हेयर की इलास्टिसिटी को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली ये आपके हेयर लेंथ पे जब आप अप्लाई करते हो इसको तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपका हेयर शाइन नहीं बनता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल के फूल भी बोलते हैं, और ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। प्लस ये हमारे हेयर को शाइनी एंड ब्लैक भी बनाता है और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके बहुत अच्छी रेमेडी बना सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आप हेयर को स्ट्रांग बनाने में और हेयर को काफी ज्यादा ये डेंस भी बनाता है। सो डेफिनेटली हिबिस्कस ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग ऑयल जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर योर हेयर। एंड आप बोलना तो मैं इसकी रेमेडी भी शेयर करूंगी। आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अश्वगंधा। ये अश्वगंधा है जो कि आपने शायद ही कभी देखा होगा, बट इसका पाउडर तो आपने जरूर देखा होगा। अश्वगंधा पाउडर को अगर आप किसी भी हेयर मास्क में यूज करते हो या फिर आप अपने हेयर ऑयल में डाल करके यूज करते हो या फिर आप ऐसे भी खाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिकॉज अश्वगंधा हमारे हेयर को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारे बाल कम झड़ेंगे और अगर हेयर फॉल कम होगा तो हमारे हेयर ऑटोमेटिकली डेंस होंगे। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अश्वगंधा पाउडर। इसको यूज कैसे करना है, इसकी सारी रेमेडीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज बायोटीन। बायोटीन रिच फूड्स अगर आप इनटेक करते हो या फिर आप बायोटीन का सप्लीमेंट भी लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज बायोटीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे हेयर में पाया जाता है और अगर आप इसका सफिशियंट अमाउंट लेते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे हमारे 10 अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स। तो यस, ये थे हमारे 10 अमेजिंग हेयर इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके हेयर हेल्थ को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल।
है एंड लॉन्ग रन में आपका हेयर लॉन्ग स्ट्रांग हेल्दी एंड बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की इन नेचुरल थिंग्स, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।